हेलो फ्रेंड्स, श्रीलंका के कोलंबो सिटी में रेड मस्जिद के विजिट के बाद मैं एक और ज़बरदस्त विजिटिंग पॉइंट पर जा रहा हूँ। ये जो पेटा मार्केट है, यहाँ की फीलिंग्स मुझे बिल्कुल कराची के जोड़िया बाज़ार या लाहौर के शालमी की तरह लग रही हैं। ये यहाँ शॉप्स में हिंदू मूर्तियाँ हैं और साथ में तस्बीह भी हैं। और ये देखें आयतुल कुर्सी का फ्रेम और इसके साथ ही भगवान की तस्वीरें भी हैं। और ये यीशु मसीह का फ्रेम है। सही है भाई, यहाँ पे इस्लामिक, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, हिंदू तमाम जो चीज़ें होती हैं वो एक साथ मिल रही थी यहाँ पे। और बड़ा इत्तेहाद है बैनुल मज़ाहिब यहाँ पे। ये देखें ये स्टॉल्स लगे हुए, और ये है जनाब लोटस टावर, कोलंबो का आइकॉन। एक नेट पे मैंने देखी थी पेटा फ्लोटिंग मार्केट, मैं उसकी एंट्रेंस पे आ गया हूँ। ये एंट्रेंस से अभी दुकानें हैं काफ़ी, तो देखें मैं वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि पेटा फ्लोटिंग मार्केट क्यों कहते हैं और क्या है वो। देखें यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये फूड आइटम है इनके पास, चिप्स, स्नैक्स है, लिम्को है, स्वीट्स है। और ये बस टर्मिनल है कोलंबो का फ्लोटिंग मार्केट के साथ। ये डिफरेंट सिटीज के लिए जो है कोलंबो से यहाँ से जाती है बस टर्मिनल। ये है भाई पेटा फ्लोटिंग मार्केट। और जनाब ये है कोलंबो की मशहूर और मारूफ पेटा फ्लोटिंग मार्केट, जो एक नहर के किनारे बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं इस नहर पर बनाए गए ब्रिज को जब आप क्रॉस करते हैं तो सामने एक फ्लोट करती हुई मार्केट आती है, जो टूरिस्ट और लोकल लोगों में बेहद पॉपुलर है। इस छोटी सी मार्केट में बहुत सारी शॉप्स और रेस्टोरेंट हैं। और इस मार्केट के पीछे आप लोटस टावर को भी देख सकते हैं। नहर के किनारे वाकई यह मार्केट बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है और श्रीलंकन लोगों का पिकनिक पॉइंट भी है, और वो यहाँ अपनी फैमिलीज के साथ आना बहुत पसंद करते हैं। मार्केट में आने जाने के लिए वुडन ट्रैक बनाया गया है। और ये वुडन फ्लोर के साथ ये पक्का मार्बल फ्लोर है। ये देखें गिफ्ट शॉप, सुवेनियर शॉप और साथ में इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी हैं, और इसके साथ रेस्टोरेंट्स भी हैं जहां आप खा पी सकते हैं और नहर के किनारे बैठकर एंजॉय भी कर सकते हैं। रात को जब इस मार्केट में लाइटिंग होती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है ये पानी के साथ ये फ्लोटिंग मार्केट। फॉरनर यहाँ भी बड़ी तादाद में विजिट करते हैं। और ये बहुत सारी शॉप्स हैं जो बंद हैं, जो रात को खुलती हैं। ये देखें रेस्टोरेंट है, ये सिटिंग एरिया। बड़ा खूबसूरत और स्टाइलिश जो है ये मार्केट है, बड़ा पुरसकून माहौल है। देखें लोकल पीपल भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। जी भाईजान, तो ये फ्लोटिंग मार्केट का यहाँ पे अख्तिताम हो गया है, और ये रास्ता जो निकल रहा है ये यहाँ से जब हम राइट पर टर्न करेंगे तो लोटस टावर की तरफ ये रोड, ये रास्ता जाता है जो कि कोलंबो का आइकॉन टावर है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत बना हुआ है भाई। श्रीलंका जो है कोकोनट की पैदावार में बहुत आगे है और टॉप 10 में आता है। ये देखें यहाँ पर बड़ी हर जगह आपको बड़ी अच्छी तादाद में मिलेंगे। और ये हमने लिया है, ये है इतना बड़ा नारियल है, पानी ख़त्म होने में नहीं आ रहा है। ये 150 रुपीज़ का, 150 रुपीज़ का है। छोटा ये लेंगे, इससे छोटा है ये 20 रुपये का है, और 100 रुपये वाले भी हैं छोटे। और ये देखें मेरे रियान भाई पी रहे हैं, कह रहे मेरा पेट भर गया लेकिन पानी ख़त्म नहीं हो रहा है। ये 150 रुपीज़ ओनली।
पेटा फ्लोटिंग मार्केट के साथ एक वेजिटेबल मार्केट है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो दुकानदार हैं वो ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है स्पाइसेस, और ये देखें ये तमाम वेजिटेबल्स यहाँ अवेलेबल हैं, फ्रूट्स हैं, बनाना, लोकार, कटहल, ये देखें ये वे शायद कटहल, ये चीज़ नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये क्या नाम क्या है इसका, पता नहीं क्या नाम है, क्या नाम है नहीं पता यार, वेरी गुड वेरी गुड, नहीं नाम क्या है इसका, व्हाट इज इट, इट्स नेम पता ही नहीं है, दिस जंबू जंबू जंबू, या जंबू ये बोलता है, इंग्लिश बोलता है रेड एप्पल, ये पता नहीं रेड एप्पल, अच्छा चलो अभी देखते हैं और मार्केट में और कुछ मिलता है तो नहीं, फुलम नेम जंबू, जंबू श्रीलंकन नेम, बस जंबू बोलते हैं श्रीलंकन में, ये कोकोनट पके हुए कोकोनट है, निमल मशरूम, गुड गुड, हाँ वेजिटेबल मशरूम है, ये स्पाइसी है कॉर्न वगैरह, और देखें भाई ये जो है ना, ये जो है ये यहाँ पर नज़र आती है, ये है लीची, इसको छील के उसी तरह खाया जाता है जिस तरह लीची है, ये देख रहे हैं कितना सारे इसमें, ये रामुटा है, क्या है रामुटा, रामुटा, लेकिन रामुटा ये इसका टेस्ट तो बिल्कुल उसकी तरह है, लीची की तरह, लीची डिफरेंट है, अच्छा इसको श्रीलंका में क्या बोलते हैं, रामुटान, और इंग्लिश में सेम रामुटान, ओके थैंक यू सो मच, और ये क्या है भाई, ये क्या चीज़ इतना बड़ा, अटा गुलू, अरे पाकिस्तान में तो नहीं होता ये, क्या चीज़ है ये भाई, अटा गुलू, और ये स्वीट पोटैटो, ये शक्करकंदी, ये वो है ना शक्करकंदी, हाँ ये बैगन है, ब्रिंजल, ऑल द थिंग्स आर इन पाकिस्तान एक्सेप्ट वो ये पाकिस्तान में नहीं होता है, दिस इज नॉट इन पाकिस्तान, हाँ ऑल द थिंग्स आर देयर, देखिए भाई और ये देखें ये जो बिंडी जो लेडीज फिंगर है ना भाई, ये बड़ी बड़ी होती है, ये इतनी बड़ी जो है ना बिंडी जो है पाकिस्तान में तो नहीं होती, काफ़ी छोटी होती है, ये देख सकते हैं हम बड़ी बड़ी, और ये देखें भाई काशी फल तो, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, ये जो लौकी है ना, ये लौकी है ना, ये बिल्कुल वाइट है, ये हमारे यहाँ बिल्कुल ग्रीन होते हैं या वाइट है, ये देखें बाकी तो यार ये, और बाकी जो कोकोनट्स है ना, ये देखें ये बिल्कुल ऑरेंज कलर के, हमारे यहाँ जो ये कोकोनट होता है वो होते हैं बिल्कुल ग्रीन कलर के, और पानी भी बहुत ही कम होता है इसमें, पानी इतना ज़्यादा है, व्हाट इज दिस, लॉटरी, लॉटरी, अच्छा भाई ये लॉटरी यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जगह जगह मैंने स्टॉल्स केबिन देखे हैं, वहाँ लॉटरी ये बिक रही होती है, अच्छा ना पान, ये भाई ये पान इस शेप में मिलता है आपका, और इसमें बस कत्था चूना और एक चीज़ कोई छालिया वाली होती सादी सी, बट व्हाट डू यू से इट इन श्रीलंकन, व्हाट डू यू से नेम, नेम बुलक्तिदे, बड़ा मुश्किल नाम है बुलक्तिदे, मतलब बोलने में भी अजीब लग रहा है, मुँह भी अजीब बन गया, बुलक्तिदे, चलो थैंक यू सर,